स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज अपन करेंगे डिस्कवर 100M के ब्रेक शू चेंज। आप इसको देखकर किसी भी गाड़ी के ब्रेक शू चेंज कर सकते हैं, फ्रंट ब्रेक शू चेंज कर सकते हैं, रियर ब्रेक शू चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे पहले ब्रेक पुलर अपन निकाल लेंगे जो कि ब्रेक रॉड को पुल करता है। ये देखिए अपन ब्रेक पुलर को निकाल रहे हैं ब्रेक रॉड में से। इसके बाद अपन ये पिन निकाल लेंगे। ये ब्रेक प्लेट की ये पिन रहती है जो कभी स्क्रू ढीला हो जाए तो ये प्लेट कहीं खुल ना जाए, इसलिए अपन इसको लगाते हैं पिन को। इसके बाद इस स्क्रू को अपन निकाल लेंगे जिससे ब्रेक प्लेट निकल आए। उसके बाद अपन एक्सल खोलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके ब्रेक लगाने पर आपके ब्रेक में से आवाज़ आए तो आप समझ जाना चाहिए कि ब्रेक शू चेंज होने का टाइम आ चुका है। और अगर आपकी ब्रेक ना लगे ठीक तरीके से और इसकी टाइट करने की पूरी लिमिट ख़त्म हो गई तो भी आप ब्रेक शू चेंज करवा लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप पुराने ही ब्रेक शू से चलाएंगी गाड़ी तो आपके ब्रेक प्रॉपरली नहीं लगेंगे। इसके बाद अपन इसका एक्सल खोल लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं 17 नंबर पाना से अपन इसका एक्सल खोल रहे हैं। हर गाड़ी में अलग अलग लगते हैं, मैं 17 नंबर 100M का बता रहा हूँ आपको। इस स्क्रू को अपन ने ढीला कर लिया है। उसके बाद इसको पूरा ओपन कर देंगे। ये देखिए इस एक्सल को अपन निकाल लेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो लोग भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। और जो भी आपको और रिपेयरिंग करवानी हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ नई चीज़ रिपेयर करवानी हो, इसका लाइव डेमो हम आपके लिए वीडियो के माध्यम से ज़रूर देंगे। और अगर आपको जानना हो स्पार्क प्लग क्लीनिंग के बारे में, एयर फिल्टर या कोई भी बाइक से रिलेटेड वीडियो, तो आप हमारे चैनल में सर्च ज़रूर करें। हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियो हैं जो आपके काम में आएंगी। सबसे पहले अपन इस ब्रेक शू के बारे में देख लेते हैं। ये ब्रेक शू अपन ने निकाल लिए हैं। ये देखिए 100M के हैं, बजाज कंपनी के, तो अपन ओरिजिनल कंपनी के स्पेयर लेकर आए हैं। दोस्तों हमेशा आप जेन्युइन पार्ट यूज़ कीजिए, कभी भी लोकल मार्केट के पार्ट यूज़ नहीं कीजिए, नहीं तो क्या होता है परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलती है। जो कंपनी देती है फिटिंग वो बहुत ही बढ़िया रहती है। मैंने इसको लोकल भी यूज़ किए हैं, ब्रांडेड भी यूज़ किए हैं, तो आप मेरा माने तो जेन्युइन प्रोडक्ट ही यूज़ करें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से अपन ने इसको निकाल दिया है ब्रेक प्लेट में से। और ये देखिए ये न्यू शू हैं, इसमें अपन यहाँ पर ये इसकी तरह स्प्रिंग लगा लेंगे, न्यू स्प्रिंग लगाएंगे जिससे इसको बढ़िया टाइट रखे, थोड़ा सा एंगेज ना हो, नहीं तो ये थोड़ा सा उसमें घिसेगा तो अपना एवरेज कम निकलेगा और ब्रेक थोड़ा सा लगा रहेगा। ये देखिए इसी तरीके से अपन लगा रहे हैं, दोनों स्प्रिंग को लगा लेंगे। दोनों स्प्रिंग को आप संभाल के लगाइएगा क्योंकि स्प्रिंग खिंचती है, तो ऐसा ना हो कि आपके हाथ में कहीं लग जाए। स्प्रिंग लगाने के बाद आपको सावधानी पूर्वक ब्रेक प्लेट में आपको लगा देने हैं शू। ये देखिए अपन किस तरीके से शू लगा रहे हैं। पहले एक शू बिठाएंगे स्प्रिंग लगे हुए, साथ में ही दूसरे शू को बिठाएंगे। बड़ी केयरफुली करिए, नहीं तो ये जब खांचे में बैठते हैं तो कई बार लग जाती है, तो आप इसको सेफली करें मैं चाहता हूँ। ये देखिए इसके बाद ये लग गया, अपन लीवर खींच के देख रहा है ये ऊपर हो रहा है। देखिए जैसे ये काम करता है उसी तरीके से हो रहा है, बढ़िया। इसके बाद अपन ने ये शू लगा लिए हैं, तो अपन इसके अंदर जो चैम्बर रहता है, ये चके के अंदर ये जो कैविटी बनी रहती है जहाँ पर शू काम करते हैं, तो इसको ज़रा कपड़े से साफ कर लेंगे क्योंकि इसमें पुराने शू की घिसी हुई रेत और धूल लगी रहती है। इसको बढ़िया आप साफ़ कर लेंगे एक बार तो अच्छा रहेगा। साफ़ होने के बाद आप इसको वापस प्लेट को बिठा दें, थोड़ा सा ही आप इसमें प्रेशर लगाएंगे तो ये परफेक्टली फिट बैठ जाएगी। उसके बाद अपन को वापस अपनी ही पोजीशन पे इसको
लगा देना है। चक्की को जैसा अपन ने निकाला हुआ था उसको भी अपन देख रहे हैं। आपको एक बात बताना और चाहूँगा दोस्तों कि राइट साइड इसमें ब्रेक शू लगे रहते हैं जिसके ऊपर ब्रेक प्लेट रहती है, और साइड आप देखेंगे तो रबड़ लगी रहती है जिसको कपलिंग रबड़ बोला जाता है, और उसके ऊपर चेनिस पॉकेट लगा रहता है जिसको चेन सेट बोलते हैं। अगर कई बार आप महसूस करेंगे तो चक्की में झटके आने लगते हैं, मतलब आपका चेन सेट ख़राब नहीं होता है कई बार, फिर भी चेन सेट लोग बदलवा लेते हैं। सिर्फ कवरिंग रबड़ ही आप बदलवाएंगे तो आपका काम बन सकता है। उसके बारे में वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपकी बाइक में डिस्क सिस्टम है तो डिस्क पैड के बारे में, चेंज करते मेंटेन ऑयल के बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल में, उसको भी आप ज़रूर देखिए। और अभी आप देख रहे हैं कि अपन ने व्हील को उसकी जगह पर लगाकर एक्सल उसमें लगा दिया है। उसके बाद अपन इस एक्सल को टाइट करेंगे। और व्हील को एक बार आप टाइट कर लें, उसके बाद थोड़ा सा आप इसको घुमा कर देख लें, कहीं अगर ये सही लगा होगा तो ये बिल्कुल परफेक्टली और फ्रीली घूमेगा। अगर थोड़ा सा तिरछा या एंगेज रहेगा तो इसमें थोड़ा आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा इंगेज कैसे रहेगा, या तो उसको आप सही कर लें। हर बाइक में दोस्तों अलग अलग सिस्टम रहता है, तो आप ज़रा संभल के करिएगा। आप देख सकते हैं कि ब्रेक प्लेट में अपन ने स्क्रू ये कस दिया है जिससे ब्रेक प्लेट एक ही जगह ही रहे, ब्रेक लगाते ही ये प्लेट ना घूम जाए, इसलिए ये रहता है सिस्टम इसमें, हर बाइक में रहता है। इसको अपन टाइट कर देंगे, पत्ती पाना से टाइट कर देंगे 14 नंबर, गोटी पाना से टाइट कर देंगे बढ़िया, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी रहता है। एक्सल जितना टाइट करो उतना ही इसको भी करना पड़ता है दोस्तों पूरे को। उसके बाद ये अपन ने ये जो निकाल ली थी अपन ने पत्ती, उसको भी लगा देंगे। उसके बाद ये ब्रेक रॉड रहती है, ब्रेक रॉड को भी अपन लगा देंगे। ये देखिए इसमें ये जो गोटी डली रहती है जिसके बीच में होल रहता है जहाँ से ब्रेक लॉक निकलती है और स्क्रू रहता है, तो उसको अपन उसकी पोजीशन पे लगा देंगे। ये देखिए अपन ने लगा दिया है। उसके बाद इसको अपन स्क्रू को कस देंगे। इसको आप कई बार ब्रेक जब ढीले हो जाते हैं तो इसी को कस के आप ब्रेक टाइट भी कर सकते हैं। अभी तो अपन को नए शू लगाए हुए हैं तो ज़्यादा टाइट करना नहीं है। ये देखिए अपन ब्रेक टेस्ट करेंगे अब इसका ब्रेक कैसा लग रहा है। ये देखिए आप हाथ से घुमाकर इसको चेक कर सकते हैं। अगर ब्रेक बढ़िया लगे तो आप गाड़ी को स्टार्ट कर कर तेज़ रफ्तार में घुमाकर भी आप बढ़िया चेक ब्रेक, क्योंकि जब भी आप रोड पर चलाएंगे तो आपको उसी कंडीशन में चलाना है दोस्तों। अपना काम हो गया, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को।